नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी से आ रही ब्रेकिंग न्यूज, जहां जिले की ग्राम पंचायत कनहवारा में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व प्रवासी मजदूरों ने आज सोसाइटी मुख्यालय बस स्टैंड में अनाज सत्याग्रह का आगाज किया। सैकड़ों की संख्याओं में महिलाओं, पुरुषों, बच्चों ने अपनी मांग बुलंद करते हुए माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन के नाम अनुविभागीय अधिकारी कटनी द्वारा ज्ञापन पत्र भेजकर कनहवारा में कोरोना काल में हुए लाखों रुपए के अनाज घोटाला की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। और साथ ही शिवराज तेरे राज में डांका पड़ा अनाज में मोदी आपके शासन में चोरी हो गई राशन में जैसे नारों को मजबूती के साथ सरकार तक पहुंचाने के लिए सत्याग्रह आंदोलन को चुना, जिसमें साथ देने के लिए जिला बहुजन समाज पार्टी के नेता अनुज चौधरी, बसपा नगरी निकाय चुनाव प्रभारी महेंद्र गुड्डू सोनी, मुंडवारा विधानसभा अध्यक्ष कृष्णा दहिया, जिला सचिव बसंत वर्मन, जियालाल कुशवाहा, बाबूलाल कुशवाहा, अल्लू नामदेव, राधे चौधरी, जगदीश चौधरी, जमुना कोरी, राजकुमार वर्मन, अंगद धनी सत्ता, मुलाय कोल, गुलाबी सोनू, पुरुषोत्तम मोहित आदि भारी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। संवाददाता प्रिया दुबे। गरीब और भूखमाल में जब कोरोना वायरस का चक्कर चला था, तो आप लोगों के लिए आठ आठ गजला राजा साहब ने मुफ्त भेजा हुआ है, जिसमें से तीन महीने का गजला आपको प्रचार किया गया। पांच महीने का गजला गोल इसलिए बोलता है, गल्ला गोल, गल्ला गोल, गल्ला गोल। गरीब जनता की आवाज है, गरीब गरीब भाइयों की आवाज है, गरीब माताओं की आवाज है, भूखे मरते बच्चों की आवाज है, जो अपनी माताओं बहनों जिनके पाँव पाले, जिनके हाथ खड़े हैं, जिनका घर भी नहीं है, फिर भी जिंदा है, लेकिन अपने बच्चों को क्या निकलाए। अगर कोई मंत्री या राजा भेज रहा है तो 20 किलो को खा जा रहा है। ऐसे में कोई है राजा, कोई है मंत्री जिसकी जात पहचान करने के लिए जनता का कहीं पे नहीं मिलता। चलिए ठीक है, कार्रवाई होगी, करेंगे। ठीक है, ठीक है सर।